हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जावा में लिस्ट बॉक्स को कैसे यूज करते हैं। लिस्ट बॉक्स बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज भी होता है, तो हम इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले लेक्चर में तो मैं ये सिखाऊंगा कि लिस्ट बॉक्स में से सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करते हैं। लिस्ट बॉक्स आपको दोनों तरीके से सिलेक्ट करना सिखाता है। लिस्ट बॉक्स में ये फैसिलिटी है कि आप सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप कंट्रोल की या शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हैं। तो पहला लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में जो मैं ऑप्शन दिखाऊंगा लिस्ट बॉक्स में, वो मैं प्रॉपर्टीज विंडो के जरिए ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। यानी मैं प्रॉपर्टीज विंडो खोलूंगा और जो जो ऑप्शन मुझे लिस्ट बॉक्स से दिखाने उनको मैं प्रॉपर्टीज विंडो से ऐड कर दूंगा। दूसरे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोग्राम के जरिए लिस्ट बॉक्स में आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं, ऑप्शंस ऐड किए जा सकते हैं। यानी एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, जो मैं ऑप्शन चाहूंगा वो टेक्स्ट फील्ड में डालूंगा और जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा वो ऑप्शन लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। ना केवल मैं ऐड करना सिखाऊंगा डायनामिकली थ्रू कोड, ये भी बताऊंगा कि जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है लिस्ट बॉक्स में उनको कैसे एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है या सारे कैसे डिलीट किए जा सकते हैं थ्रू कोड। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पहले लेक्चर को। अपन हर चीज प्रैक्टिकली सीखेंगे। मैं नेटबीन्स आईडीई के जरिए जावा एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं। लिस्ट बॉक्स कैसे यूज किया जाता है, तो लिस्ट बॉक्स को समझने के लिए अपन सबसे पहले नेटबीन्स ऑन करेंगे। जब अपन नेटबीन्स को लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले ऐसी स्क्रीन आएगी। नेटबीन्स एक बहुत ही बेहतरीन आईडीई है जिसमें आप जावा के प्रोग्राम्स को एक ही जगह पे टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो जैसे हम नेटबीन्स लॉन्च करेंगे तो ये पहली स्क्रीन आएगी। सबसे पहले अपन एक जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करें। हम क्योंकि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कैटेगरी स्पेन में से जावा लें और प्रोजेक्ट स्पेन में से अपन जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन का नाम बताएं। सपोज मैं लिखता हूं से डेमो लिस्ट बॉक्स, सपोज कुछ भी लिख देता हूं, है ना। ये टेक्स्ट बॉक्सेस बता रहे हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे कंप्यूटर पे इस जगह पे इस फोल्डर्स पे क्रिएट होगा। इन फोल्डर्स को और इन लोकेशन को डिस्टर्ब ना करें, आप फिनिश पे क्लिक करें। ये देखिए, नेटबीन्स आईडी ने आपके लिए एक जावा क्लास फाइल बना ली, डेमो लिस्ट बॉक्स डॉट जावा, ये उसका कोड है। अभी ये खाली है, अगर मैं अभी इस प्रोजेक्ट को यहां रन करूंगा तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन है तो मुझे इस प्रोजेक्ट में एक जे फ्रेम फॉर्म ऐड करना होगा। तो ये जो डेमो लिस्ट बॉक्स पैकेज है इस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और जे फ्रेम फॉर्म इस पर क्लिक करूंगा। मुझे पूछा जा रहा है कि जो आप नया जे फ्रेम फॉर्म बना रहे हैं उसका नाम क्या है। सपोज मैं ले लेता हूं रेस्टोरेंट, सपोज फिनिश। ये मेरा एक जे फ्रेम फॉर्म आ गया है। ये भी इस वक्त डिजाइन मोड में है। ये सोर्स मोड में ये कोड आ जाएगा, जावा कोड। इस डिजाइन मोड में मैं जो भी स्विंग कंट्रोल्स, जो भी मैं कंट्रोल्स यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा उसका जावा कोड ऑटोमेटिकली सोर्स कोड में नेटबीन्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये मैं जो एक एप्लीकेशन बना रहा हूं इसमें कुछ फूड आइटम आएंगे और जब मैं किसी फूड आइटम को सेलेक्ट करूंगा लिस्ट बॉक्स में से तो उसका बिल आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक ये लिस्ट बॉक्स ले रहा हूं, ये देखिए। ये एक लेबल मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। एक पुश बटन, एक ये बटन डाल रहा हूं और एक लेबल बटन यहां पे, ठीक है जी। ये जो कंट्रोल्स आए हैं इनका फॉन्ट थोड़ा छोटा है। फॉन्ट प्रॉपर्टी में गया और फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं 14, तो थोड़ा विजिबल हो जाएगा। इसका भी फॉन्ट बढ़ा देता हूं मैं, इन दोनों कंट्रोल का भी फॉन्ट मैं बड़ा कर देता हूं सो दैट ये थोड़े विजिबल हो जाए। इस लिस्ट बॉक्स के जरिए मैं कुछ फूड आइटम डिस्प्ले करूंगा। यहां पे मैं यूजर के लिए मैसेज डालना चाहता हूं कि आप नीचे जो फूड आइटम है इनमें से कोई सिलेक्ट करें। तो मैं इसका ये जो इस लेबल का जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है जे लेबल वन, इसको रिप्लेस करना चाहता हूं। तो इस पर राइट क्लिक करता हूं, एडिट टेक्स्ट में गया और इधर लेता हूं सिलेक्ट द फूड आइटम्स। ये जो बटन है इसका जो ये कैप्शन है ये बटन, इसको मैं हटा के इधर लिख देता हूं, सिंबल लिख देता हूं, ठीक है। और ये जो लेबल है
इससे तो मेरा बिल आएगा, ठीक है जी। तो इसका मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट आएगा, ये जो टेक्स्ट आएगा ये ऑटोमेटिक जावा कोड के जरिए आएगा। तो मैं एडिट टेक्स्ट में गया और डिलीट कर देता हूँ उसको, ठीक है जी। देखो ये जो लिस्ट बॉक्स है इसका डिफॉल्ट वेरिएबल नेम है जे लिस्ट वन। इसका वेरिएबल का नाम थोड़ा रीजनेबल कर देता हूँ, थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ, राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम में गया और लिख देता हूँ कि ये जे लिस्ट फूड आइटम्स है, जिसे पता रहा कि इसके अंदर है क्या। इस बटन का डिफॉल्ट वेरिएबल नेम है जे बटन वन। मैं इस पर राइट क्लिक किया, चेंज वेरिएबल नेम पे गया, उसका नाम करता हूं जे बटन बिल, ओके कर देता हूं। ये जो लेबल है इसका नाम भी मैं वेरिएबल नेम चेंज करके इसका नाम करता हूं जे लेबल रिस्पॉन्स। इसके जरिए मेरे को रिस्पॉन्स आएगा कि भी कितना बिल हुआ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इस लिस्ट बॉक्स में फूड आइटम्स डिस्प्ले करने हैं, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, आइटम फोर, आइटम फाइव नहीं चाहिए मेरे को, तो फूड आइटम्स डिस्प्ले करने हैं। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, ये जो मॉडल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ और मैं इनको हटा के लिख देता हूँ। सपोज मैं जो आइटम्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो है पिज्जा, मान लीजिए पिज्जा मैं करता हूँ $10 का। फिर मैं हॉट डॉग रख देता हूँ, उसका नाम, उसका प्राइस करता हूँ से $7। फिर मान लीजिए करता हूँ से बर्गर $4 का, और फिर तीसरा करता हूँ से फ्रेंच फ्राइज। ये देखिए मैं पिज्जा $10 का कर दिया, हॉट डॉग $5 कर दिया, बर्गर $4 कर दिया, फ्रेंच फ्राइज $7 कर दिया, कुछ भी कर दिया मैंने, ये चार आइटम डाल दिए मैंने, मैं कितने भी डाल सकता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस बिल पे क्लिक करे तो जो फूड आइटम सिलेक्ट हुआ है उसका बिल यहां आ जाए, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस बटन पे, तो नेटबीन्स मुझे ये एक मेथड बना के देता है जिसका नाम है जे बटन बिल एक्शन परफॉर्म्ड। ये मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे जो भी कोड लिखूंगा, जब भी कोई यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो कोड लिखा जाएगा वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो इधर क्या कोड लिखूंगा, वो कोड मैंने यहां लिखा हुआ आपके लिए, देखिए। पहले तो इस कोड को समझते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर जे लिस्ट फूड आइटम्स गेट सिलेक्टेड इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, जब आप लिस्ट आइटम में से किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो जो लोकेशन आपने सिलेक्ट किए उसको, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इंडेक्स। जब आप लिस्ट आइटम में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू होती है -1। तो मैं कह रहा हूं अगर लिस्ट फूड आइटम में से गेट सिलेक्टेड इंडेक्स -1 नहीं है तो ही अंदर जाओ, यानी लिस्ट बॉक्स में से अगर किसी ने भी कोई फूड आइटम सिलेक्ट किया है तो ही ये इफ कमांड चले, ठीक है। और क्या डिस्प्ले करो, यू हैव सिलेक्टेड जे लिस्ट फूड आइटम्स गेट सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, यानी जो सिलेक्ट किया है उसको पहले स्ट्रिंग में बदलो और डिस्प्ले कर दो। यानी ये कोड सिर्फ क्या कर रहा है, जो आइटम सेलेक्ट किया है उसको सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है। पहले अपन इसको इस कोड को कॉपी कर रहे हैं, नेटबीन्स में गए, ये देखिए इसको पेस्ट कर दिया, इसको अपन रन करके देखते हैं। ये देखिए मैं इस पर राइट क्लिक किया रेस्टोरेंट पे, रन फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया, जी मेरा ये आ गया। देखिए अब मैं किसी में क्लिक करता हूँ और बिल बटन पर क्लिक करता हूँ, यू सिलेक्टेड हॉट डॉग $5, फ्रेंच फ्राइज पर क्लिक करता हूँ, देखो यू सिलेक्टेड फ्रेंच फ्राइज $7। किसी भी सिलेक्ट पिज्जा पर क्लिक किया, यू सिलेक्टेड पिज्जा $10। मैं देखो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, ये तो सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है कि मैंने कौन सा फूड आइटम सिलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ, ये नहीं लिखा है यू सिलेक्टेड पिज्जा $10, मैं चाहता हूँ योर बिल इज $10। अगर बर्गर पर क्लिक करूं तो ये नहीं लिखा यू सिलेक्टेड बर्गर $4, ये लिखा है योर बिल इज $4, ठीक है। मैं ये चाहता हूं तो थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इस प्रोग्राम में। ये देखिए इसका कोड भी मैंने लिख रखा है, ये कोड है देखिए। पहले मैंने वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल लिया बिल अमाउंट, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। अगर कोई फूड आइटम सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, इस इफ ब्लॉक में जाओ, यहां मैं स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। स्विच क्या होता है, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट का एक सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं कि अगर कोई जो सिलेक्टेड वैल्यू हुई है, यानी कोई भी सिलेक्टेड वीजा, मतलब लिस्ट बॉक्स में से जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको स्विच करो, यानी उसके आधार पे जंप करो, ठीक है। अगर जो सिलेक्ट हुआ है लिस्ट आइटम में से वो पिज्जा $10 है तो बिल अमाउंट में 10 डाल दो। अगर फूड आइटम जो सिलेक्ट हुआ है वो हॉट डॉग $5 है तो बिल अमाउंट की वैल्यू 5 कर दो। अगर बर्गर है तो बिल अमाउंट की वैल्यू 7 कर दो, और फ्रेंच फ्राइज है तो 4 कर दो। यानी जो भी आपने जो आपने फूड आइटम्स डाले हैं उसके प्राइसेस डाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं हो तो बिल अमाउंट की वैल्यू 0 कर दो, और डिस्प्ले क्या करो, द अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड आइटम इज, ये आपने
स्ट्रिंग वैल्यू बिल अमाउंट, देखो आप ध्यान रखना बिल अमाउंट आपका इंटीजर है, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो मेथड है ये टाइप पास कर रहा है, ये इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल रहा है। देखिए लेबल हमेशा स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करता है, तो आपका काम है कि उस इंटीजर को, उस बिल अमाउंट को आप पहले स्ट्रिंग में बदलो फिर डिस्प्ले करो। देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कॉपी, और यहां पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी, अब अपन इसको रन करते हैं, राइट क्लिक रन फाइल ऑप्शन, मैंने बर्गर पे क्लिक किया, देखो क्या लिखा रहा है, द अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड आइटम इज 4, इस पे क्लिक किया हॉट डॉग पे, द अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड आइटम इज 5, यानी ये बिल्कुल सही चल रहा है। ये जो मेरा लिस्ट बॉक्स है इस वक्त कौन से मोड में है, सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन मोड कौन सा, सिंगल। अब मैं इसको इसका सिलेक्शन मोड करता हूं मल्टीपल, यानी अब चाहे यूजर तो शिफ्ट की या कंट्रोल की दबा के एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका कोड थोड़ा चेंज होगा, देखिए ये मैं मल्टीपल सिलेक्शन करके दिखा रहा हूं। यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूं सिलेक्टेड आइटम्स, और एक ओबीजे एरे ले रहा हूं जिसमें मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी फूड आइटम्स सिलेक्ट हुए हैं लिस्ट बॉक्स में से उन सबको, क्योंकि ये अभी है मल्टीपल सिलेक्शन मोड में, तो अगर अब होस्टा यूजर एक से ज्यादा सिलेक्ट करे, मान लीजिए 2 सिलेक्ट किए, तो जो भी आइटम सिलेक्ट किए हैं, जो भी आइटम सिलेक्ट किए हैं वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल फॉर्मेट में होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं। तो आप एक ऑब्जेक्ट एरे ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी सिलेक्टेड फूड आइटम है वो डाल दिए, अब आप एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को स्कैन करके, एक एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, फेच करके सिलेक्टेड आइटम्स नाम के स्ट्रिंग में डालते जा रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को पहले टाइप कास्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी जो भी फूड आइटम सिलेक्ट किया उनको एक एक फेच करके सिलेक्टेड आइटम नाम के वेरिएबल में डालना है, और स्क्रीन पर आएगा यू सिलेक्टेड और सारे फूड आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी इनका बिल अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ डिस्प्ले करेगा कि आपने ये फूड आइटम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां पे मैं आया इसको रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है जी, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, राइट क्लिक किया रन फाइल पे गया, मैं फिर से बोलता हूं अभी बिल अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ क्या क्या फूड आइटम सिलेक्ट किए हैं उनका नाम ही आएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है, मैंने पिज्जा पे सपोज से, हाँ पिज्जा पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल की दबा के बर्गर पे क्लिक किया और बिल पे क्लिक करता हूं, देखिए यू सिलेक्टेड पिज्जा $10 बर्गर $4। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस पर भी क्लिक करते हॉट डॉग, ये देखो यू सिलेक्टेड पिज्जा $10 हॉट डॉग $5 बर्गर $4, अमाउंट नहीं आया। ठीक है, अमाउंट डिस्प्ले करने के लिए मेरे को कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये मैं कोड में चेंज किया है, ये देखो ये है मेरा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा अमाउंट आए। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल लिया बिल अमाउंट, उसकी वैल्यू 0 की, सिलेक्टेड आइटम्स जो स्ट्रिंग है उसकी, उसको नलीफाई कर दिया, उसको ब्लैंक कर दिया, एक ऑब्जेक्ट एरे लिया, क्योंकि जितने भी फूड आइटम सिलेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होते हैं, जितने भी यूजर ने ऑब्जेक्ट, जितने भी फूड आइटम सिलेक्ट किए वो ओबीजे एरे में डाल दिया, फॉर लूप चलेगा, आप स्विच कमांड से चेक कर रहे हैं कि भाई अगर पिज्जा $10 हुआ है तो बिल अमाउंट जो वेरिएबल है, जो इनिशियल वैल्यू 0 है उसमें 10 जोड़ दो, अगर हॉट डॉग सिलेक्ट किया है तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो भी है उसमें 5 जोड़ दो, बर्गर सिलेक्ट किया तो उसमें 7 जोड़ दो, फ्रेंच फ्राइज सिलेक्ट किया तो 4 जोड़ दो। ये अमाउंट मैं गेस कर रहा हूं कि पिज्जा की वैल्यू 10 है, हॉट डॉग की इतनी है, बर्गर की इतनी है, जो भी है, और उसके बाद ये जो भी है आपका अमाउंट जो भी है उसके बाद आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो, अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड, द अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड आइटम इज, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो बिल अमाउंट को और डिस्प्ले करो। अब मैं इसको, इस कोड को कॉपी कर रहा हूं, NetBeans में गया और इस हिस्से को रिप्लेस कर रहा हूं मेरे कोड से। ठीक है, अब रन कर देखते हैं इसको। अब मेरा ये जो लिस्ट बॉक्स है मल्टीपल सिलेक्शन फॉर्मेट में है, इसको बड़ा कर देता है, मान लीजिए मैंने हॉट डॉग $5, मान लीजिए मैंने हॉट डॉग और फ्रेंच फ्राइज सिलेक्ट किया और बिल अमाउंट पर क्लिक किया, द अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड आइटम इज $10, और सपोज मैं बर्गर पर क्लिक कर देता हूं, देखो द अमाउंट फॉर सिलेक्टेड फूड आइटम इज $16, सपोज मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज हटा देता हूं सपोज, और सिर्फ इन दोनों सिलेक्ट करता हूं बर्गर और फ्रेंच फ्राइज को, देखो देख रहे हैं आप, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं bmharwani@yahoo.com पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्रोजेक्ट का कोड का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।